छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर ला देखे बर देखत रहो आरजे न्यूज और हमर चैनल ला सब्सक्राइब करो बेल आइकन दबाए बर झन भूला हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। जहां पुलिस विभाग द्वारा कोरोना वैश्विक महामारी के बीच अहम भूमिका निभा रही है, वही दूसरी ओर राजनांदगांव के डोंगरगढ़ ब्लॉक के मोहारा पुलिस चौकी प्रभारी योगेश अग्रवाल पर रुआ तला में ग्रामीणों ने मास्क नहीं पहनने पर पिटाई करने का आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत कर चौकी प्रभारी को हटाने की मांग की है। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस महेंद्र यादव सहित रुआ ताला गांव के ग्रामीण मौजूद रहे। बता दें कि कंटेनमेंट गांव रुआ तला से राजनांदगांव एसपी कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि बिना मास्क लगाए खेत जा रहे किसानों की मोहारा पुलिस चौकी प्रभारी ने पिटाई की है। पीड़ितों के शरीर में पुलिस के डंडे का निशान भी है। मामला बीते 15 जून का है। ग्रामीणों ने एसपी जितेंद्र शुक्ल को आवेदन देकर निष्पक्ष जांच की कार्रवाई की मांग रखी है, जिस पर एसपी शुक्ल ने जांच का आश्वासन दिया है। कंटेनमेंट जोन से जिला मुख्यालय पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे रुआ ताला के ग्रामीणों ने मोहारा पुलिस चौकी प्रभारी योगेश अग्रवाल को हटाने की मांग की है। ग्रामीण उत्तम साहू, शुक्लाल वर्मा, बसंत साहू खेमचंद व अन्य ग्रामीणों ने कहा कि मामला बहुत गंभीर है। घटनाक्रम की जांच कराकर पुलिस प्रशासन चौकी प्रभारी के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई करे। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि कंटेनमेंट जोन बताकर पुलिस खेत जाने वालों को भी रोक रहे हैं। हैं किसानी के सीजन में अगर पुलिस इस तरह मारपीट करेगी तो किसानों को दिक्कतें तो होगी ही। गांव वालों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग रखी है। शिकायत करने पहुंचे पीड़ित भैयालाल वर्मा ने कहा कि वो दो अन्य श्रमिकों के साथ अपने खेत जा रहे थे। इस बीच पुलिस ने रास्ते में उन्हें मास्क नहीं लगाने पर फटकार लगाई। जब उन्होंने किसानी काम से खेत जाने की बात कही तो चौकी प्रभारी ने सीधे डंडे बरसा दिए। मारपीट में मेरे अलावा हरगुन साहू और भीखम साहू को मार पड़ी। भैया लाल के पीठ और पैर पर भी चोट के निशान है। पीड़ित ने कहा कि पुलिस की मारपीट के बाद वो मानसिक रूप से परेशान हो गए थे। 3 दिन बाद जब ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी गई तब ग्रामीणों के साथ शिकायत करने आए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित की जा रही है, जिसके कारण किसानी का काम प्रभावित हो रहा है। मोर नाम भैयालाल वर्मा है, रुआ तला किसान हूँ। अपन खेत जात रहे हूँ और बस्ती कोतिल थाना प्रभारी गीस महारा थाना पुलिस थाना प्रभारी योगेश अग्रवाल है और बस पीटना चालू कर दी। उचित बस है कि कहाँ जात है, खेत जात हो कहाँ तहन पीटना चालू कर दी। बेरहमी से मारे पूरे लोर पर गई पीठ में गोड़ में। पीटे कारण कुछ नहीं बताई, कोई कारण नहीं बताई से। जबकि वो सील लगे है तो करो पार घलो नहीं रहे। मैं अपन बस्ती पार रहे हैं, बस्ती को पार उम्र खेत है, लेकिन मैं पैदल ऐसे घूम के जाऊँ कहीं सोचे रहे हैं। वही कर पहुँचे भर रहे हैं, पीटना चालू कर दी। कुछ नहीं करी सो, बस टीटी से एक कन भागे हो। अभी मेरी तबीयत खराब रही से तो पैदल चलन नहीं सको मैं। वही ग्रामीणों के साथ मोहारा थाना प्रभारी की शिकायत करने पहुंचे जिला पंचायत सदस्य महेंद्र यादव ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में पुलिस की इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए। मास्क नहीं लगाना ग्रामीणों की गलती है, लेकिन इस गलती पर डंडे से पिटाई करना पुलिस की ज्यादती है। हाल ही में रायपुर बिरगांव में सामने आई घटना के बाद डीजीपी ने सभी एसपी व थाना प्रभारियों को आम लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करने को समझाया है। बावजूद यहां ग्रामीणों के साथ मारपीट की जा रही है। घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मेरा जिला पंचायत क्षेत्र है ग्राम रुआ तला थाना, वहां का मोहारा थाना आता है। वहां पर चौकी प्रभारी है, मोहारा के चौकी प्रभारी योगेश अग्रवाल, जिनके द्वारा 15 तारीख को सोमवार को ग्रामीणों के द्वारा एक किसान, दो तीन किसान अपने खेत जा रहे थे कृषि कार्य के लिए, तो उनको रोक कर रास्ते में इतना बलपूर्वक उनके साथ मारपीट किया गया है योगेश अग्रवाल के द्वारा। हमारा कहना ये है कि अगर वो व्यक्ति मास्क नहीं लगाया था तो उनके ऊपर जुर्माना करते, लेकिन ऐसा बलपूर्वक मारना ये घटना निंदनीय है। और माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का स्पष्ट निर्देश है, जिस पुलिस अफसर के ऊपर उनके ऊपर मानवता नहीं करते, मानवता नाम की चीज़ नहीं, ऐसे पुलिस अफसर के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे ग्रामीण जन आज मेरे साथ आए हुए हैं, सभी इस बात से दुखी हैं, और जो जिनके साथ मारपीट हुआ है भैया लाल वर्मा सहित अन्य वो लोग भी साथ में आए हुए हैं। इसकी कहां-कहां शिकायत की आपने? शिकायत आज पुलिस अधीक्षक जी के पास हम लोग आए हुए हैं, एसपी सर के पास। यहां शिकायत हम